आज हम लोग बनाएंगे एक टिक्का रेसिपी। ये न पनीर टिक्का है ना ही मशरूम टिक्का है, पर जो रेसिपी है बहुत ही बढ़िया है। इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है बिल्कुल यूनिक सा है। कोई गेस करेगा कौन सा इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किया है इसमें? जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है इसमें भी, भी यानी कमल ककड़ी। उसका मैंने यहाँ पे टिक्का बनाया है। कमल ककड़ी टिक्का बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। भी टिक्का बनाना है तो यहाँ पे भी यानी कमल ककड़ी ले लेंगे, उसे अच्छे से धो के साफ़ करेंगे। उसके बाद इसे एक एक इंच की लेंथ में हम लोग कट करेंगे। साइज़ छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। इसके बाद इसे हम लोग करेंगे बॉयल, नमक डाल के इसे बॉयल कर लेंगे। जब तक ये बॉयल हो तब तक हम लोग ले लेंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। इसे अच्छे से कूट लेंगे मिक्सी जार में। देखिए भी बॉयल हो चुके हैं, उसे मैंने एक जाली में निकाल के रखा है जैसे एक्सेस वाटर जो है पूरा ड्रेन हो जाए। थोड़ी देर इसे इसमें रखेंगे, तब तक एक पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे तेल 3 चम्मच के करीब। जो हमने लहसुन अदरक और हरी मिर्च का मसाला कूटा था उसमें से 1/2 चम्मच हम लोग इसमें डालेंगे। साथ में एक ओनियन बिल्कुल बारीक कटा हुआ। सबको अच्छे से भूनना है, लाइट ब्राउन हो जाए तब तक। ये मसाला हम लोग टिक्का में यूज़ करेंगे जिससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। ओनियन अच्छे से पक जाएगा, उसके बाद इसमें हम लोग डालेंगे बेसन। देखिए ओनियन बिल्कुल लाइट ब्राउन हो चुका है, इसमें डालेंगे बेसन। 2 टेबलस्पून इसमें बेसन डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके हम लोग भूनेंगे। जैसे बेसन की एरोमा आती है वैसे ही इसे भूनना है। इसका कलर चेंज हो जाएगा, अच्छे से भूनते जाएंगे इसे। और हल्का हल्का देखिए इसमें से तेल निकलना भी चालू हो जाएगा जो हमने पहले तेल डाला था। इसे हम लोग बाउल में निकाल के रखेंगे। एक बाउल ले लेंगे, उसमें डालेंगे 1 कप दही, उसमें कुटी हुई लहसुन अदरक और हरी मिर्च डालेंगे, लगभग 2 चम्मच के करीब है ये। हल्दी 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे 1 चम्मच, इससे बहुत ही बढ़िया कलर आता है। नमक स्वाद अनुसार, चाट मसाला 1/4 स्पून, गरम मसाला 1 स्पून, राई का तेल डालेंगे इसमें 4 चम्मच के करीब, और जो बेसन हमने भून के रखा था ओनियन के साथ वो डालेंगे। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे, बिल्कुल इवनली मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे ओनियन, साथ में डालेंगे टमाटर और कैप्सिकम, और भी हमने जो बॉयल करके रखे हैं वो डालने हैं। भी को मैंने 3 से 4 सीटियां लगवाई है, अच्छे से बॉयल करना है भी को। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी इसे कम से कम 1/2 घंटा हम लोग रख देंगे मैरिनेशन के लिए। 1/2 घंटे के बाद इसे डालेंगे स्क्यूअर्स में, एक बार थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसे स्क्यूअर्स में अरेंज कर लेंगे। ओनियन, बी, कैप्सिकम, टोमेटो, इस तरह से लेयर्स बनाएंगे। पनीर टिक्का, मशरूम टिक्का सबको बहुत पसंद आता है, पर ये यूनिक रेसिपी है। जैसे मैंने बताया इसमें बी का इस्तेमाल किया है, ये बहुत ही टेस्टी है बी टिक्का।
इसी तरह से ही सब स्क्यूअर्स को हम लोग अरेंज कर देंगे। देखिए सब रेडी हो चुके हैं, अरेंजमेंट कितनी बढ़िया लग रही है ये। अभी इसे हमें करना है रोस्ट, तो गैस को स्लो करेंगे, उसके ऊपर जाली रखेंगे, बिल्कुल धीमी आंच पे इसे रोस्ट करना है हमें। धीमी आंच रखेंगे तो ये अच्छे से कुक भी होगा और इसमें स्मोकी फ्लेवर भी आएगा, ये जलेगा नहीं। अच्छे से घुमाते हुए सब साइड से रोस्ट करेंगे, इस पर स्मोकी टच भी आएगा और बहुत ही अच्छा सा एरोमा आएगा। ये हमारा बी टिक्का तैयार हो गया है, इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा नींबू डालेंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी, एक बार ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमल ककड़ी टिक्का। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।